हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज सिलेबस लेके आए, सिलेबस और बुक। सिलेबस भी देखेंगे, बुक भी देखेंगे, लेकिन किसके लिए देखेंगे? क्लास इलेवेंथ के लिए जैक बोर्ड का इकोनॉमिक्स के क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या बुक है पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर जैक बोर्ड का मैं बात नहीं करूँ, सीबीएसई का बात करूँ या फिर अदर स्टेट का बोर्ड का बात करूँ, तो स्टेट बोर्ड में तो चेंज हो जाता है, सीबीएसई में चेंज होता है। सीबीएसई में जो पढ़ना है वो बोर्ड में नहीं पढ़ना है, जो स्टेट बोर्ड में पढ़ना है सीबीएसई में नहीं पढ़ना है। इसलिए जैक बोर्ड लगा दिया, क्योंकि जैक बोर्ड के स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक्स का अप्रोक्स 80% सिलेबस मेरा कंप्लीट है, 20% बचा है। एक यूनिट बहुत ही बड़ा यूनिट है, समझिए कि इंपॉर्टेंट वहाँ से रहते हैं, तो वही बच चुका है, उसको कंप्लीट जल्द से करा दूंगा और बाकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट रहेंगे सारा, ठीक है ना। तो बस देखिए क्या क्या, पहले सिलेबस और बुक के बारे में, तो पहले बुक देख लेते, उसके बाद सिलेबस देख लेंगे, ठीक। देखिए सिलेबस वही है, दो बुक पढ़ना है, एक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और एक पढ़ना है उसका क्या नाम है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो बुक पढ़ना है, तो दोनों बुक में क्या क्या पढ़ना है हम लोग आज देख लेते हैं, ठीक। स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट है, एक एक चैप्टर कंप्लीट है। मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। टर्म वन टर्म टू वाइज सिलेबस अभी नहीं आया है जैक बोर्ड से, अगर आता है तो मैं आप लोग को 2023 के लिए दे दूंगा, भेज दूंगा। लेकिन टर्म वन आए या ना आए, हमको पढ़ना तो है। पिछले बार कम भी टर्म वन टर्म टू ऑब्जेक्टिव, स्टडीज फॉर इकोनॉमिक्स से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहते हैं। कुछ कुछ चैप्टर ऑब्जेक्टिव इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी डालता है, मिला के देता है दोनों बुक। ऐसा नहीं कि यहाँ से 50% वहाँ से 50%, दोनों बुक से मिला कर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे क्लास ट्वेल्व में माइक्रो एंड मैक्रो है, तो माइक्रो क्लास इलेवन और मैक्रो क्लास ट्वेल्व, सॉरी माइक्रो टर्म वन में मैक्रो क्लास टर्म टू में, क्लास ट्वेल्व के लिए। तो यहाँ पर ऐसे इलेवंथ को दोनों मिक्सअप करके देता है, तो उन लोग के लिए तो सब सिलेबस डाला उन लोग के। सॉरी क्या बोल रहे थे, चलिए देखते क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, देख लें कितने चैप्टर्स में पढ़ने। देखिए स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ, देखिए सीबीएसई में क्या होता है ना कि स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास इलेवंथ में है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पढ़ेंगे हम लोग क्लास इलेवंथ में, वो क्लास ट्वेल्व में कर दिया है। और क्लास ट्वेल्व का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्लास इलेवंथ में कर दिया, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी क्लास इलेवंथ में और स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स दोनों टफ टफ पड़ता है दोनों इलेवंथ में, और ट्वेल्व में दोनों ईजी है, मैक्रो भी ईजी है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों थ्योरी है दोनों ईजी है। तो उन लोग का थोड़ा सा ट्वेल्व आसान कर दिया, इलेवन टफ हम लोग को, ठीक है। स्टेट बोर्ड पहले सीबीएसई में भी ऐसा ही था, लेकिन सीबीएसई थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो देख लेते हैं, पहले सीबीएसई में था ना कि जैसे झारखंड बोर्ड का है सीबीएसई का भी था, लेकिन इस बार चेंज कर दिया, इलेवंथ वालों काफ़ी टफ कर दिया। स्टडी फॉर इकोनॉमिक्स ही पढ़ो, माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ो, लेकिन क्लास ट्वेल्व में मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दिया। हम लोग का ठीक है, स्टेट बोर्ड का ठीक है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ो और स्टडी फॉर इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल वाले पढ़ो, वही क्लास ट्वेल्व में माइक्रो इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल वाले पढ़ो और मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी पढ़ो, तो अच्छा है। न्यूमेरिकल यानी कि माइक्रो में टेबल डायग्राम सब रहते हैं ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। न्यूमेरिकल कम है लेकिन टेबल डायग्राम समझना रहता है माइक्रो, तो इसीलिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। और क्या बोल रहे थे, और इंडिया स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल है, इसलिए टफ पड़ जाता है। ग्राफ भी इसमें है, टेबल डायग्राम इसमें भी है, प्रेजेंटेशन कलेक्शन। देखिए ना, आप स्टार्ट करते, देखिए पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म कर दिया है। मैं टर्म टू जब पढ़ा रहा था तो उसी में बहुत चैप्टर खत्म कर दिया था, इसे मेजर इस, लेकिन ये सब बच चुका था, इसको मैं जल्दी फिलहाल में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ये आपका एक यूनिट हो गया। अगर यूनिट वाइज बांट दीजिएगा कि भैया यूनिट वन में कौन पढ़ना हो यूनिट टू में, तो यूनिट वन में आपको चैप्टर वन पढ़ना है, चैप्टर वन यूनिट वन। यूनिट टू में आपको तीन चैप्टर पढ़ना है, यूनिट वाइज एनसीईआरटी नहीं बांटा यहाँ पर चैप्टर वाइज, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनिट वाइज बांटा, उसको देखेंगे। ऐसे मैं सिलेबस डाल दिया हूँ, मेरे चैनल पर सिलेबस डाला हुआ है जो मैं खुद से पढ़ा था, ये एनसीईआरटी का सिलेबस है, मैं जब खुद से पढ़ा था उसका सिलेबस डाला हुआ है मेरे चैनल पर, देखिए वहाँ पर वीडियो बना के मैं डाला था, रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं है, वहाँ से लाइव रिकॉर्डिंग किया हुआ है, मैंने पीडीएफ से नहीं है, बोर्ड पर बताया हुआ, तो उसको भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा, सब इलेवंथ ट्वेल्थ सब इकोनॉमिक्स इंग्लिश, ट्वेल्थ का तो फिजिक्स भी चल रहा है। चलिए तो आपका एक यूनिट हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लियर करते हैं इसको। सेकंड यूनिट में हम यहाँ से यहाँ तक सेकंड यूनिट है, इसमें तीन चैप्टर पढ़ना, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होते हैं सब पढ़ा दिए हैं लोग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा तीनों को पढ़ा दिए, इसमें सब टेबल डायग्राम सब बता दिए हैं, ठीक। अब चलते हैं यूनिट थ्री में, यूनिट थ्री में आपको तीन चैप्टर फिर पढ़ने हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड कोरिलेशन इंडेक्स नंबर, यहाँ सब सारा इसी में आ जाएगा, चार चैप्टर इसमें आते हैं, यानी कि यूनिट नंबर कितने में, थर्ड में, यूनिट सेकंड में तीन होगा, यूनिट वन में वन, तो यूनिट थर्ड होगा। यूनिट फोर में एक चैप्टर पढ़ना है, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, तो यहाँ पर यूनिट खत्म, तीन ही कितने यूनिट होगा, चार यूनिट है, चार यूनिट में आपका खत्म हो जाता है यूनिट वाइज। देखिए चैप्टर वाइज देखिएगा तो चैप्टर टू थ्री फोर और चैप्टर फाइव में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसमें मीन मीडियन मोड सब पढ़िएगा, ठीक है। इसमें कोरिलेशन पढ़िएगा, इसमें आपका कोरिलेशन, इसमें इंडेक्स नंबर, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या क्या पढ़ा था उसमें, मैं खुद बोल रहा हूँ, कोरिलेशन दो दो कोरिलेशन देखना है, इंडेक्स नंबर सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है।
इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन और क्वार्टाइल सब आता है ना, कितना डेविएशन मतलब कितना डेविएट कर रहा है डाटा, तो इसको निकालने के लिए सब न्यूमेरिकल टाइप का, तो सब आता है, सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कर लीजिए, मैं बहुत पहले पढ़ा दिया हूँ सब। चलिए इसके बाद बस इतना ही पढ़ना है, यानी कि इंडियन क्या नाम है इसका, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में बस मात्र आपको 9 चैप्टर पढ़ने हैं और सारा पढ़ाया हुआ है। एक चैप्टर यहाँ कंप्लीट किया हुआ है, जैकबोर्ड के स्टूडेंट को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा इकोनॉमिक्स में। इंग्लिश भी चल रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश बच चुका है तो उसको करा देंगे कंप्लीट। समरी बच कराया हुआ लेकिन लाइन बाय लाइन अभी चल रहा है, तो लाइन बाय लाइन आप लोग को भी करा दूंगा। तो ये तो फर्स्ट बुक का बात हुआ कि भैया चलिए फर्स्ट बुक में तो हमको पढ़ना था चैप्टर, देख लिए समझ लिए, ठीक है समझिए। अगर 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 50 नंबर यहाँ से आएंगे, 50 वहाँ से आएंगे, 80 का होता है 40 यहाँ से 40 वहाँ से। लेकिन एक और बुक कौन, उसको बताइए। देखिए सर, सेकंड बुक आपका नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट क्लास 11 के लिए आपका सेकंड बुक यही है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। इसका एक यूनिट बच चुका है, देखिए मैं यूनिट वाइज पढ़ा था, तो मैं जैसा पढ़ा था वैसा सिलेबस डाल दिया था, लेकिन आप लोग के लिए क्या नाम था मतलब, तो जैसे मैंने पढ़ा था उस समय डाल दिया था, लेकिन अभी एनसीईआरटी के तहत देख लेते कितने चैप्टर है, कितने यूनिट है। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा बताते हैं। हम अभी पढ़े थे तो देखे थे यूनिक चीज़ कहाँ चला गया कंटेंट। देखिए मेरा जो सिलेबस पहले का डाला हुआ है तो उसमें देखिएगा, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों मिलाकर मैं एक ही यूनिट पढ़ाया हूँ, एक ही यूनिट बताया हूँ कि यूनिट 1 आपको पढ़ना है डेवलपमेंट पॉलिसी एंड एक्सपीरियंस। मैं क्यों डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर एंड इकोनॉमी रिफॉर्म सिंस 1991, तो दोनों कैसे करके बताओ, नहीं यहाँ पे यूनिट आगे होगा इकोनॉमी रिफॉर्म सिंस 1991 यूनिट 2। तो दोनों यूनिट को मैं एक ही में बांट कर चैप्टर वाइज कर दिया हूँ, यहाँ पे अलग अलग बांट दिया, ठीक है। चैप्टर 3 ना, तो चैप्टर 1 चैप्टर 3 और चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 तीनों चैप्टर को एक ही यूनिट में पढ़ा दिया था, बता दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिट वाइज बांटा हुआ, यूनिट 1 में वैसा है, यूनिट 3 में एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। तो वहाँ देखिए तो कन्फ्यूजन में थोड़ा सा होइएगा, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा को मैं बताया था, इसमें फर्स्ट यूनिट दो चैप्टर, यूनिट का नाम क्या है डेवलपमेंट पॉलिसी एंड एक्सपीरियंस सिंस 1947 से 1999 तक देखेंगे, वहाँ से लेके कहाँ मतलब क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या पॉलिसियों को लिया गया, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को एडॉप्ट किया गया, ठीक है ना, क्या क्या सुधार लाए गए, क्या एग्रीकल्चर में सुधार हुआ, सब कुछ देखेंगे। आज़ादी के बाद कैसे हुआ, आज़ादी के समय क्या था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एक चैप्टर मिलेगा। देखिए इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के सामने उस दिन जब आज़ाद हुए तो उस समय भारत की इकोनॉमी कैसा था, और फिर उसके बाद देखेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक कैसा था। तो आज़ादी के जस्ट आज़ाद हुए तो बस उसी शाम के समझ की बात है, और आपका उसके बाद का 50 से लेकर 90 का बीच में बात है। और 90 में एक रिफॉर्म हुआ था तो उसको एक अलग यूनिट यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे, इकोनॉमी रिफॉर्म सिंस 1991, जिसमें लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पर फोकस किया गया था। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सब लिखा हुआ आप लोग पढ़िएगा, बैकग्राउंड लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन सब पढ़ना होगा, ठीक है ना। ग्लोबल क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म, तो ये सब पढ़ना होगा। तो यही मेरा सबसे बड़ा यूनिट बचा हुआ है और बड़ा के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है, तो बस इसी का 3 चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट का 2 और एक इसका 3 बचा हुआ, बाकी सब पढ़ा। करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी सबसे बड़ा यूनिट तो यही है, सबसे बड़ा यूनिट आपका यूनिट नंबर 3 है। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे पॉवर्टी सब चैप्टर पढ़ाया हुआ, एक एक वीडियो में चैप्टर पढ़ाया हुआ आप लोग के लिए तो बहुत ईजी है। उस समय प्रेशर था, बहुत सारे स्टूडेंट भैया जल्दी कर दीजिए जल्दी कर दीजिए, एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को एकदम एक एक डिफिनेशन के साथ पूरे नोट्स के साथ पीडीएफ नोट्स से पढ़ाया हुआ है। तो एक वीडियो मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जो बड़ा चैप्टर होंगे उसमें 2 वीडियो मिल सकते हैं, लेकिन छोटे में एक एक वीडियो को। उस समय रीजन हो गया था, स्पीड में पढ़ाना था, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम था, उन लोग का प्रेशर था, एक मंथ में सारा चैप्टर सिलेबस कंप्लीट करा दिए थे, जितना था टर्म 2 में आ रहा था पिछले बार, तो टर्म 2 का सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। तो वही था, अच्छा अब डिटेल में पढ़ा रहा हो तो एक वीडियो में नहीं, अब बहुत वीडियो जा रहे हैं, एक पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसको काफ़ी समझा के, जब क्या बोलते हैं एनसीईआरटी का पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ तो ही बड़ा वीडियो बन रहा है, मतलब कि 5-6 वीडियो बन रहे हैं। अगर अब तो हैंड रिटन नोट से पढ़ाने लगा, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा जिस नोट से, तो उसी नोट से पढ़ा रहा हूँ, तो अब तो वीडियो समझिए 10-12 पार हो जा रहे हैं। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि समझाया नहीं, बहुत ही डीपली समझा दिया आपको, बहुत ही पढ़िएगा। तो इसमें जो यूनिट 3 है करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो पहला चैप्टर इसमें चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होते हैं सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताया हुआ भी है कि मानव को कैसे हमको एजुकेशन पे क्या बोलते हैं हेल्थ पे खर्च करके और मानव को पूंजी बनाना है, पूंजी कहीं और से नहीं, मानव एक खुद ही पूंजी है, तो इसी के बारे में। फिर रूरल डेवलपमेंट गाँव में कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर रिसोर्सेज, इनफॉर्मलाइजेशन देख रहे हैं ना, जिसका फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर होता है तो लोग अब ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में भाग रहे हैं, सिक्योरिटी फॉर्मल में है, फॉर्मल में सब कुछ होता है अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों इनफॉर्मल क्यों भाग रहे हैं, पता नहीं बेरोजगारी के कारण या फिर नहीं जॉब मिल रहा होगा उसके कारण, किसी कारण इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है, हम लोग देखने को मिला चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, सब पढ़ा हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जो मेन ढांचा होता है क्या है इसको देखना होगा, और
तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कंट्री का क्या है। फिर चैप्टर 9 पढ़ें, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, लास्ट यूनिट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया का, ये भी एक चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, एक वीडियो देखिएगा ना, तो ये भी चैप्टर खत्म है। तो आप लोग का इकोनॉमिक्स का एक्सपीरियंस ऑफ है कंपेरिजन विथ नेबरिंग, मैंने इंडिया का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा डेवलप करते करते, और कंपेयर किया जा रहा है अपने नेबरहुड से, मैं नेबरहुड से कितना आगे हो, कितना पीछा हो डेवलपमेंट में, तो ये सब के बारे में पढ़ना होगा। तो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, मतलब भारत, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सब एक ही समय आज़ाद हुए थे, एक ही समय आज़ाद हुए तो उन लोग का कितना डेवलपमेंट हुआ, हम लोग का कितना डेवलप हुआ, तो कंपेयर करके इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन, 10 मिनट का वीडियो बना, सिलेबस बता दिया, दो दो बुक थे, दोनों बुक के बारे में यूनिट बाय चैप्टर बाय सब कुछ बता दिया, तो इसका एक यूनिट बच चुका है, बाकी सब आप लोग का कंप्लीट है, इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस। ठीक है मेरे दोस्त, तो बस मिलते हैं कभी नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।